Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 8th English worksheet number 13. ये आपकी 2nd of September 2021 की worksheet रहेगी. आज की आपकी worksheet भी काफ़ी easy, interesting रहने वाली है, जिसमें हम class 8th English का chapter सुनामी है वो continue करेंगे. इस chapter को हम समझने की कोशिश करेंगे. ये chapter आपका काफ़ी lengthy chapter है, तो इसका first part आज हम read करेंगे. जो हमारी next कुछ worksheet होगी उसमें हम इसी chapter को continue करेंगे. सुनामी, ये chapter based है 2004 की सुनामी पर, जो साउथ इंडिया, साउथ एशिया में आती है और कोस्टल एरिया में बड़े लेवल पर प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस होता है. लाखों हज़ारों लोग हैं वो मारे जाते हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो सरवाइव कर जाते हैं, जो बच जाते हैं. उनके एक्सपीरियंस को इस चैप्टर में शेयर किया गया कि उन्होंने क्या देखा, किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस था, किस तरीके से वो बच पाए, ये सब कुछ इस चैप्टर में हमें दिया गया. लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है. ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाई सम नेचुरल डिजास्टर. जब हम लॉकडाउन पीरियड की बात करें, चाहे वो 2020 का हो या 2021 का हो, तो उस दौरान इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर आए थे. नेचुरल डिजास्टर आप समझते होंगे, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, सुनामी हो गया, ओके, ड्रोट हो गया, सूखा हो गया, ये सारे क्या है, ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं. ठीक, तो इंडिया के कुछ पार्ट्स में लॉकडाउन पीरियड के दौरान इस टाइप के नेचुरल डिजास्टर आए. लुक अप एट द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4-5 मंथ्स की न्यूज़ आप देख सकते हो, उसमें आपको दिखाई देगा कि अलग अलग स्टेट्स में इस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर हैं वो आए हैं. राइट द नेम्स ऑफ अ प्लेस और स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर्स अकर्ड. हमें उन प्लेसेस के नाम लिखने जहाँ पर ये नेचुरल डिजास्टर वो आए हैं. ओके, सबसे पहले दिया गया फ्लड, तो फ्लड है ये महाराष्ट्र में, बिहार में फ्लड आई है, असम में भी फ्लड आई है, तो यहाँ पर किसी एक स्टेट का आप नाम मेंशन कर सकते हो, महाराष्ट्र, असम या फिर बिहार. ठीक, सेकंड है लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड की बात करें तो ये नेचुरल है उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, तो आप उत्तराखंड या हिमाचल कुछ भी मेंशन कर सकते हो. तीसरा अर्थक्वेक, भूकंप. भूकंप की बात करें तो हमने जून में 12th of February को भी दिल्ली में भी महसूस किया, तो आप दिल्ली है, दिल्ली है, इसको मेंशन कर सकते हो, या फिर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है वो भी मेंशन कर सकते हो, वहां पर भी अर्थक्वेक आया है इस पीरियड के दौरान. ठीक, तो हमें यहां पर मेंशन करना है फ्लड कहां आई है, लास्ट जो लॉकडाउन पीरियड है इसके दौरान, तो फ्लड में आप मेंशन करोगे महाराष्ट्र, बिहार या फिर असम, और लैंडस्लाइड में मेंशन करोगे उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश, और अर्थक्वेक में आप मेंशन कर सकते हो दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे दिया गया कि इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट द अनदर नेचुरल डिजास्टर. ये जो चैप्टर है इसमें एक और नेचुरल डिजास्टर है, सुनामी है, उसके बारे में हम रीड करेंगे. ऑन 26th of December 2004 अ सुनामी हिट द पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडेमान निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड ए फ्यू मोर कंट्रीज. इसके साथ साथ जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड है, उनको हिट किया था इस सुनामी ने. कब आई थी, 2004 में 26th of December को. अब ये सुनामी क्या होती है? अ सुनामी इज ए पावरफुल, लार्ज पावरफुल वेव. सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोस्ड बाय द अर्थक्वेक्स अंडर द वॉटर. यानी कि जब पानी के नीचे भूकंप आता है, अंडर वाटर भूकंप आता है, ठीक, अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है, जैसे ओशियन में आ गया, तो उसके कारण बड़ी बड़ी लहरें हैं वो पैदा हो जाती है. ठीक, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी स्पीड के साथ आती है, तो उसको सुनामी कहा जाता है. और कोस्टल एरिया में इसके कारण बड़े लेवल पर डिजास्टर होता है, बड़े लेवल पर नुकसान होता है. ठीक, तो उसको बोलते हैं सुनामी. ये जो सुनामी है ये एक जैपनीज वर्ड है और इसमें टी साइलेंट रहता है, यानी कि जैसे राइट तो किया जाएगा TSUNAMI, लेकिन बोला जाएगा इसको सुनामी, इसकी प्रोनंसिएशन सुनामी रहेगी. यहाँ पर दो हमें इमेज दी गई, चलिए उनको देखते हैं. पहली जो इमेज दी गई, पहली जो पिक्चर दी गई, इसमें सुनामी है, उसके अफेक्ट को शो किया गया कि जैसे सुनामी आती है तो चारों तरफ पानी पानी होता है, और सिर्फ पानी पानी नहीं होता है क्योंकि फ्लड में होता है, ये काफ़ी पावरफुल होती है, तो कोस्टल एरिया में बड़े लेवल पर डैमेज भी होता है. सेकेंड जो पिक्चर दी गई, इमेज दी गई, कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप. यहाँ पर हमें ए एंड बी दो प्लेस दिए गए, ये बी है यहाँ पर दिया गया, ओके, इसको आइडेंटिफाई करना है. ये क्या है, ये तमिलनाडु है. ठीक, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना, अपनी वर्कशीट पे मेंशन करोगे. सेकंड यहाँ पर दिए गए, इस प्लेस को आइडेंटिफाई करना है, तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. ठीक, तो इन दोनों प्लेस को हमें आइडेंटिफाई करना है और अपनी वर्कशीट में हमें मेंशन करना है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और रीड करते हैं इस चैप्टर के एक पार्ट को. ओके, सो द सुनामी कोज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ. इसके कारण बड़े लेवल पे प्रॉपर्टी एंड लाइफ का लॉस होता है. एंड हेयर आर द सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. यहाँ पर सुनामी से कुछ लोग जो बच गए थे उनके करेज की,
उनकी हिम्मत की, उनके साहस की और उनके सर्वाइवल की, कैसे वो बचे थे, उनकी कहानी दी गई। तो यहाँ पर आपके हनी ड्यू बुक है उसके पेज नंबर 25 और 26 पे जो दिया गया उसको इस एक्सट्रैक्ट में दिया गया। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडेमान निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडेमान निकोबार आइलैंड है वहाँ की ये जो स्टोरी दी गई। फर्स्ट जो इसमें दिया गया इग्निशियस की बात की गई, इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल, कैचल वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके मैनेजर हैं इग्निशियस, ठीक। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, यानी कि जिस डे को, किस दिन आई थी, 26 दिसंबर 2004 को, तो सुबह 6 बजे उनको उनकी वाइफ उठाती है कि उठिए जल्दी उठिए, ओके, उनको उठाया जाता है। बिकॉज शी फेल्ट अन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्हें भूकंप महसूस हुआ था, अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, कंपन होता ना, तो कंपन उनको महसूस हुआ था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। सबसे पहले इग्निशियस है वो उठते हैं और टीवी को टेबल से नीचे रख देते हैं, क्योंकि टेबल से वो गिर सकते थे, टूट सकता था, उसको नीचे रखते हैं। एंड देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद पूरी फैमिली वो घर से बाहर की तरफ दौड़ती है, क्योंकि हमें भी बताया जाता है ना कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें खुले स्थान पे चले जाना चाहिए, ओपन स्पेस है वहाँ पर चले जाना चाहिए, और बड़ी बिल्डिंग है या जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो ऐसा ही उनकी फैमिली करती है, वो बाहर की तरफ भागते हैं। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप्ड, कि जब ये ट्रिमर्स मतलब जो कंपन है वो रुक जाते हैं, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र है, उसका पानी है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। एंड इन द काउज एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, यानी कि उस काउज में और कन्फ्यूजन में, क्योंकि चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, उस भगदड़ में उन्होंने देखा कि उनके दो बच्चे हैं, उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे किसका, उनके मदर के फादर का, यानी कि किसके, इग्निशियस है उनकी मदर, ओके, और उनकी मदर के फादर कौन हो गए, उनके नाना जी का, ठीक, हाथ पकड़े हुए थे, और उनके मदर, जो मदर है उनके ब्रदर का, यानी कि बच्चों ने अपने जो इग्निशियस है उनके मामा जी का हाथ पकड़ा हुआ था, यानी कि ये उन्होंने देखा कि इस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, उन्होंने देखा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे थे उन दोनों बच्चों के साथ। ही नेवर सॉ देम अगेन, और उसके बाद उन्होंने फिर कभी उनको नहीं देखा, यानी कि उन सभी को नहीं देखा, वो चारों थे वो उसके बाद दिखाई नहीं देते, इसका मतलब वो उस लहर में, उस वेव में बह गए थे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट आए, उनकी वाइफ थी वो भी उस पानी में बह चुकी थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बच पाते हैं, यानी कि बाकी सब कुछ बह जाते हैं उस लहर में, उस वेव में, उस सुनामी में। ये कहानी थी इग्निशियस की। सेकेंड स्टोरी दी गई, एक्सपीरियंस दिया गया संजीव का। संजीव वॉज ए पुलिसमैन एंड सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार आइलैंड, यानी कि जो निकोबार आइलैंड है वहाँ पे कैचल आइलैंड है निकोबार ग्रुप में, तो वहाँ पर वो सर्विस कर रहे थे, वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, और कौन थे वो, एक पुलिसमैन थे। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो किसी तरीके से खुद को बचा लेते हैं, सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉक्टर फ्रॉम द वेव्स, यानी कि किसको बचा पाते हैं वो, अपने को, अपनी वाइफ को, और जो बेबी डॉटर है उसको वो बचा लेते हैं। बट देन ही हर्ड द क्राइज ऑफ फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जोन द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस के कुक है उनकी वाइफ की वो आवाज़ सुनते हैं जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव है वो दोबारा से पानी में जंप लगाते हैं टू रेस्क्यू हर, ताकि उसको बचाया जा सके। बट दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों ही पानी में बह जाते हैं, उस सुनामी में बह जाते हैं। ये संजीव की स्टोरी थी। उसके बाद जो थर्ड स्टोरी है वो मेघना की कहानी यहाँ पर दी गई। 13-year-old मेघना वो स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 other people, जो मेघना है वो अपने पेरेंट्स और 77 other people है उनके साथ उस पानी में बह जाती है, ठीक। मेघना की एज होती है 13 years old। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और वो 2 दिन जो सी है उसमें तैरते हुए गुजारती है, फ्लोट करती है किसके ऊपर, एक जो वुडन डोर है उसके ऊपर, उसको पकड़े होती है, वो पानी में तैर रहा होता है और उसके ऊपर वो फ्लोट करते हुए 2 दिन बिताती है। 11 times सी सॉ द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने 11 times उसने देखा कि रिलीफ हेलीकॉप्टर्स है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन उस जो हेलीकॉप्टर ने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव, उसके बाद एक वेव आती है जिसके कारण वो किनारे पर आ जाती है। And was found walking on the seashore in a daze, और उसके बाद वो समुद्र के किनारे जो
कोस्टल एरिया तटीय इलाके, वहाँ पे वो लगभग बेहोशी की हालत में, यानी कि डोज मतलब कि उसे ठीक से पता भी नहीं था, वहाँ पर उसे घूमते हुए वो दूसरे लोगों को मिलती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। तो ये देखिए, हमने तीन लोगों के एक्सपीरियंस देखे, इग्निशियस के, संजीव के और मेघना के, कि किस तरीके से जो सुनामी आती है, किस तरीके से कुछ लोग हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं और कुछ लोग हैं वो बह जाते हैं। अब इसी पेसिस पर, इसी एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा टास्क है, कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द पेसिस अबोव। जो अबोव पेसिस है उसकी हेल्प से हमें सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है। फर्स्ट जो सेंटेंस दिया गया, मेघना स्पेंट टू डेज फ्लोटिंग इन द सी, यानी कि फर्स्ट जो फिलअप है यहाँ पर फ्लोटिंग वर्ड को हमें यूज करना है। सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड बट दे डिडंट सी हर, सेकेंड में आपका ओवर हेड रहेगा, यानी कि उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को ऊपर उड़ते हुए देखा लेकिन उस रिलीफ हेलीकॉप्टर्स में जो भी थे उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया, उसको नहीं देखा। सेकेंड सेंटेंस दिया गया, संजीव जम्प्ड इन टू द वॉटर टू रेस्क्यू, यहाँ पर रहेगा आपका रेस्क्यू वर्ड आएगा, टू रेस्क्यू द वाइफ ऑफ द गेस्ट हाउस कुक की वाइफ है, उसको बचाने के लिए वो पानी में जंप करते हैं, बट दे बोथ वर स्वेप्ट आए, लेकिन दोनों ही बह जाते हैं, स्वेप्ट यहाँ पर वर्ड को यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा सेंटेंस दिया गया, थर्ड सेंटेंस है, इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज डेज अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम, कि इग्निशियस है केवल बचा पाते हैं किसको, तीन बच्चों को अपने को, कितने बच्चों को, तीन बच्चों को, तो यहाँ पर थ्री रहेगा। कुड ओनली सेव हिज थ्री अदर चिल्ड्रंस हु केम विद हिम, जो उसके साथ आए थे, दो बच्चे जो दूसरों के साथ उनके रिलेटिव उनके साथ गए थे वो बह गए थे उसमें। उसके बाद सेकंड हमारा टास्क है, चलिए उसको भी देखते हैं। सेकंड टास्क दिया गया, इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो, यहाँ पे हमें एक कुछ वर्ड्स की लिस्ट दी गई है, ठीक, और उस लिस्ट में से हमें कुछ वर्ड्स है वो चूज करने जो संजीव को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता तो आप डिक्शनरी को यूज कर सकते हो, वैसे ईजी वर्ड है। तो ये वर्ड दिए गए, चीयरफुल, ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फलेस और हार्टलेस, ठीक। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेल्फलेस और हीरोइक को। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, जो संजीव था वो काफ़ी ब्रेव था, सेल्फलेस था, सेल्फलेस मतलब सेल्फिश नहीं था, जो दूसरों के बारे में सोच रहा था, एंड हीरोइक था। हीरोइक और ब्रेव वैसे एक जैसे ही वर्ड होते हैं लेकिन क्योंकि दो हमें वर्ड यूज़ करने, तो हम यहाँ पर हीरोइक को यूज़ करेंगे। तो आपका सेंटेंस रहेगा, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, सेल्फलेस एंड द हीरोइक। तो ये थी आपकी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।